चैप्टर का नाम है, हाँ जी, एडवांस रूलिंग। सुन ले पहले, ये बेसिकली सेक्शन 245 एंड टू सेक्शन 245 वी तक चलेगा। सेक्शन 245 एंड टू सेक्शन 245 वी तक चलेगा। ओके सर, ये एडवांस रूलिंग है क्या? इट इन्वॉल्व्स, भाई होता क्या है सुन लो पहले। बेसिकली ये जो एडवांस रूलिंग चैप्टर आया था शुरू में, ये एक नॉन रेजिडेंट को सपोर्ट करने के लिए था। किसको? नॉन रेजिडेंट को, यानी जो बाहर, जो भाई तीन तरह के होते हैं हमारे रेजिडेंशियल। पहला रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा नॉन रेजिडेंट। तो इस चैप्टर का जो मेन पर्पस था, दैट वॉज टू सपोर्ट द नॉन रेजिडेंट, उसको अल्टीमेटली इस चीज में सपोर्ट करना कि आप जो इंडिया में ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, अंडरटेक करने जा रहे हैं, उसकी क्या पोजीशन रहेगी टैक्सेशन के मैटर पे। टैक्सेशन के मैटर पे आप आओगे और यहां पर ट्रांजेक्शन करोगे, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी की सिचुएशन क्या रहेगी, इस चीज को एडवांस रूलिंग में बताना था। लेकिन अब सिस्टम थोड़ा चेंज है, जो इसका ओरिजिनेशन था उससे थोड़ा बदल गया है। क्या आ गया है? एडवांस रूलिंग मींस, तो पहले वही चीज पढ़ लेते हैं जो ओरिजिनेशन में था। एडवांस रूलिंग मींस एन इश्यू, एडवांस रूलिंग मींस एन इश्यू इन रिलेशन टू अ ट्रांजेक्शन। मैं वही पढ़ रहा हूं, और डिटर्मिनेशन बाय द अथॉरिटी, और डिटर्मिनेशन बाय द अथॉरिटी मींस एन इश्यू। पक्की बात है ना? इस पूरे सेंटेंस को हमने क्या नाम दे दिया? इश्यू। एडवांस रूलिंग मींस एन इश्यू इन रिलेशन टू अ ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय अ नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट, एंड सच डिटर्मिनेशन on shall include the determination of any question of law or question of fact, okay, specified in the application. देखो ना, पहला टॉपिक ही वही दिया है कि कोई भी ऐसा इशू जो नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट से बिलोंग करता है। कौन एप्लीकेंट होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, देखो ना, बगल में मैंने लिखा भी है नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट, एप्लीकेंट की कैटेगरी में लिखा है ना। अच्छा, फिर से समझते हैं। कोई भी नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट होगा जो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया होगा, जिसने ऐसा ट्रांजेक्शन किया होगा या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करने जा रहा होगा, और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन। मैं फिर पढ़ता हूं, कोई भी ऐसा इश्यू इन रिलेशन टू अ ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय अ नॉन रेजिडेंट एप्लीकेंट, दैट्स इट। बस इतना याद रखो, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कोई एक नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट ने किया है या नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट करने जा रहा है, उससे रिलेटेड इश्यूज या मैटर को बताना, इसको हम कहेंगे एडवांस रूलिंग। इसको हम कहेंगे एडवांस रूलिंग। सर, एडवांस रूलिंग का और भी मतलब है, पॉइंट नंबर टू, एडवांस रूलिंग मींस अ डिटर्मिनेशन बाय द अथॉरिटी, जिसको हम एन इश्यू कह सकते हैं। एडवांस रूलिंग मीन्स एन इश्यू इन रिलेशन टू अ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। सुन, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। लेकिन जरा लास्ट कॉलम देखो तो एप्लीकेंट मैंने लिखा है रेजिडेंट। सर, बात समझ में नहीं आई। एप्लीकेंट रेजिडेंट होगा, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी डिटरमाइंड ऑफ नॉन रेजिडेंट। हाउ? जरा ढंग से देखो। An issue relation to the tax liability of a non-resident arising out of a transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken. Proposed to be undertaken by whom? By whom?
बाय अ रेजिडेंट विद होम विद नॉन रेजिडेंट. अब मैं एक रेजिडेंट हूं, मैं किसी नॉन रेजिडेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूं और वो नॉन रेजिडेंट कहता है देख मैं तेरे साथ ट्रांजेक्शन तो करने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी स्टेटस क्लियर कर दो, व्हाट वुड बी द माइनर टैक्स लायबिलिटी विच विल अराइज ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन, टेल मी क्लियरली. नाउ आई एम द रेजिडेंट, नाउ आई कैन मेक एन एप्लीकेशन विद द एडवांस रूलिंग सो दैट दे कैन रिजॉल्व दैट इश्यू दैट व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इन दिस केस. नाउ ट्रांजेक्शन इज टू बी डन बाय और इज प्रपोज टू बी डन बाय अ रेजिडेंट विद होम नॉन रेजिडेंट. Now, who is the applicant? Me. As a resident, I'll file an application before advance ruling authority to decide such an issue. क्या है? मैं फिर से बोलता हूँ. सुन लो. तुम एक non-resident हो. तुम कोई ऐसा transaction कर रहे हो जिससे तुम्हारा कोई issue arise होता है या तुम कोई transaction करोगे जिससे तुम्हारा कोई issue arise होगा tax liability या tax matter को ले करके. पक्की बात है ना? तो उस केस में तुम खुद एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हो किसके पास? एडवांस रूलिंग के पास. किसके पास? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी. कौन सी अथॉरिटी? तो इसको हम लोग कहेंगे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. क्या नाम देंगे? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. पक्की बात है ना? और शॉर्टकट में इसको नाम देंगे AAR. क्या नाम देंगे? AAR. हम लोगों ने अभी तक दो ही चीज देखी. कितनी चीजें देखी? दो चीजें देखी. पहली चीज क्या देखी? कि एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है जिसको हम नाम देंगे AAR, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कुछ मैटर को डिसाइड कर देती है आपसे रिलेटेड मैटर्स को. आप एक नॉन रेजिडेंट हो, आप कोई ट्रांजेक्शन कर चुके हैं या करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी टैक्स मैटर हो, नाउ यू जस्ट वांट टू गेट द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दैट ट्रांजेक्शन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन. हाँ या ना? आपने अपनी एक एप्लीकेशन दे दी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, उसने डिसाइड करके बता दिया कि ये मेरा मैटर है, आपका ये टैक्स ट्रीटमेंट होगा फलाना एंड ढिमाका. भाई कोई भी आदमी हो, किसी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो क्या मैं क्लियर नहीं होना चाहता कि मेरा टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हो? अल्टीमेट उसका इम्पैक्ट कैसे और कहाँ पड़ेगा नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? अच्छा. दूसरा, कोई भी ऐसा इश्यू या मैटर जो एक रेजिडेंट ट्रांजेक्शन कर रहा होता है किसी नॉन रेजिडेंट के साथ या करेगा, कर चुका होता है या करेगा किसी नॉन रेजिडेंट के साथ, तो उससे रिलेटेड कोई डिटर्मिनेशन या इश्यू को रिजॉल्व करना. पहले केस में नॉन रेजिडेंट ने एप्लीकेशन दिया था और दूसरे केस में रेजिडेंट अप्लाई करेगा. जी हाँ, किसकी टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए? नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए. तीसरा पॉइंट नंबर 3, एन इश्यू रिलेशन टू द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रेजिडेंट एप्लीकेंट. सर ये तो मामला ही पलट चुका है. ओरिजिनेशन तो इसका नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड मैटर को डिस्कस करना था लेकिन आज आप कहते हैं रेजिडेंट एप्लीकेंट. अच्छा. Arising out of a transaction which has been undertaken or is to be proposed to be undertaken by such applicant. यानी कि यहाँ पर तो non-resident नाम की तो कोई चिड़िया है ही नहीं. लेकिन 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 सामने देखो तो मैंने बोला है resident notified by the central government और इसमें central government द्वारा notified जो SSEs हैं वो हैं केवल PSUs, public sector undertakings. इस समय कौन सा notified है? PSU. केवल PSU ही apply कर सकते हैं public sector undertaking. अगर वो कोई transaction कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैटर्स को, टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड मैटर को जानने के लिए वो एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास. इज इट क्लियर? यानी अभी तक कितने लोग आए? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास कोई नॉन रेसिडेंट जा सकता है, चाहे ट्रांजेक्शन कर चुका है या करेगा. कोई रेजिडेंट जा सकता है जो किसी नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर चुका है या करेगा नॉन रेसिडेंट की टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए. और तीसरे केस में हम लोगों ने बताया कोई रेजिडेंट एप्लीकेंट जो कि नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें पीएसयू शामिल हैं, वो जा सकते हैं अपने को अपने आप को एप्लीकेंट बनाने के लिए, बना सकते हैं. नेक्स्ट, एन इश्यू रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और द एपिलेट अथॉरिटी. ओ, केवल टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए
अगर आपका कोई केस पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी में, कोई भी पर्सन, कोई भी रेजिडेंट, देखो नोटिफाइड रेजिडेंट, कोई भी पर्सन जो नोटिफाइड है, कोई भी नोटिफाइड रेजिडेंट अपनी टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए, सर टैक्स लायबिलिटी क्यों जानने के लिए, सारे केसेस में ना, केवल उन्हीं केसेस में जिनका वो केस पेंडिंग है, हर एक केस में नहीं जा सकता। अगर किसी नोटिफाइड रेजिडेंट का कोई केस पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी में या अपीलेट अथॉरिटी में, तो वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है एडवांस रूलिंग लेने के लिए। तो एन इश्यू रिलेटिंग टू कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और द एपिलेट अथॉरिटी, अंडरलाइन कर लो, पेंडिंग 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 विच इज पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और द एपिलेट अथॉरिटी। लास्ट लास्ट डिटर्मिनेशन और डिसीजन बाय द अथॉरिटी वेदर एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है ना, जिसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या हो, सरकार को ठेंगा दिखाना, सरकार को मूर्ख बनाना, बात समझना। हमारा कोई अरेंजमेंट किसी नॉन रेसिडेंट के साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, नॉन रेसिडेंट के साथ हो रहा है, विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकिंग बाय अ पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट, इज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आप कोई भी ऐसा सेटअप डाल रहे हो, कोई भी ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट डाल रहे हो किसी रेसिडेंट के साथ या किसी नॉन रेसिडेंट के साथ, तो देखो आगे लिखा हुआ एप्लीकेंट में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है, चाहे रेसिडेंट चाहे नॉन रेसिडेंट, हाँ या ना। कोई भी आप ऐसा ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, कोई भी ऐसा एक अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था बनाने जा रहे हो दो लोगों के बीच में, जिसका मेन पर्पस टैक्स की चोरी करना हो, हाँ या ना, या टैक्स को अवॉइड करना हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, तो वहां पर अ डिटर्मिनेशन और एन इश्यू रिलेटिंग टू वेदर एन अरेंजमेंट विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय एन पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट इज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? तो कुल मिलाकर हमारे कितने पॉइंट्स हैं? पांच। पहला पॉइंट बताया कि नॉन रेजिडेंट अगर कोई ट्रांजेक्शन कर चुका है या करने जा रहा होता है, तो अपने मैटर को रिजॉल्व करने के लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में अप्लाई कर सकता है। कोई भी रेसिडेंट जो किसी नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर चुका होता है या करने जा रहा होता है और नॉन रेसिडेंट की टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए वो रेजिडेंट एप्लीकेंट बन सकता है। तीसरा, कोई भी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कोई भी कोई भी नोटिफाइड रेजिडेंट एसएससी, कोई भी नोटिफाइड रेजिडेंट एसएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड हो, जिसको हम पीएसयू का नाम देंगे, वो जा सकते हैं अपने मैटर को रिजॉल्व करवाने के लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में डिटर्मिनेशन करने के लिए। फोर्थ बताया था, कोई भी रेजिडेंट या नोटिफाइड एसएससी जो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बारे में एप्लीकेशन दाखिल करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में, एप्लीकेंट बन सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम के बारे में। और लास्ट मैंने बताया, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट, कोई भी ऐसा इश्यू जो रिलेटेड हो किसी भी अरेंजमेंट से रिलेटेड, विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन, 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 विच हैज नॉट बीन अंडरटेकन बट इज टू बी प्रपोज्ड, विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाई एन एनी पर्सन बींग अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। चलो सर, ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, यहाँ तक तो क्लियर है। ये पांच तरह के लोग या ये पांच तरह की एडवांस रूलिंग आप ले सकते हैं, ये पांच तरह की एडवांस रूलिंग आप ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं एक बेंच से, बेंच से, हाँ कुछ लोगों की बेंच बैठी हुई है, मैं उसमें एक एप्लीकेंट बनूंगा, ये वाले एप्लीकेंट, मैं एक फॉर्म भरूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे बता दो मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, मेरे मैटर क्या होगा, मेरे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, मैं कहूँगा मैं रेजिडेंट हूँ, मैं एप्लीकेंट हूँ, मेरा नॉन रेजिडेंट के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है या एक ट्रांजेक्शन इनकर हो रहा है, बताओ मेरी एडवांस रूलिंग क्या होगी, मैं वो इश्यू लिख करके दूंगा डिटेल में, प्रॉपर फॉर्म भर करके, फीस लगा करके, हाँ या ना। तीसरा, मैं नोटिफाइड रेजिडेंट एसएससी हूँ, मैं एप्लीकेशन दाखिल कर सकता हूँ कि क्या रिजॉल्व होगा, क्या इशू या डिसीजंस हो सकते हैं। फोर्थ मालूम है, फिफ्थ मालूम है, यानी ये पांच तरह के लोग हो सकते हैं एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन भर करके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को देंगे और अपना मैटर डिस्कस करके अपना इशू रिजॉल्व करवाएंगे, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा। इज इट क्लियर? अच्छा,
द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी शैल हाउएवर नॉट अलाउ एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन इन मैटर्स पे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन इन मैटर्स पे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा AAR, पहला एनी क्वेश्चन पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, एनी क्वेश्चन पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट। लेकिन सर सर अभी थोड़ी देर आपने पहले बताया था कि कोई भी मैटर जो किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी में या अपीलेट अथॉरिटी में पेंडिंग है उसके लिए एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं। वापस आओ किस मैटर को लेकर के, टोटल इनकम के डिटर्मिनेशन को लेकर के, जरा ढंग से देखो, वापस आओ पॉइंट नंबर फोर, एन इश्यू रिलेटिंग टू कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज पेंडिंग, तो पेंडिंग वाला जा सकता है, नोटिफाइड रेसिडेंट होगा तो वो जा सकता है, हर कोई नहीं जा सकता। तो इस मैटर को छोड़ करके जो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम से रिलेटेड है, नोटिफाइड रेसिडेंट से रिलेटेड है, उसको छोड़ करके अगर आप कोई दूसरे SSC हो तो आप AAR में नहीं जा सकते, एप्लीकेशन दाखिल नहीं कर सकते। तो पहला तो समझ में आ गया, लिखा भी हुआ है एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ अ रेसिडेंट एप्लीकेंट एज अबव, क्लियर है, हाँ या ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम के केस में, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम के केस में अगर कोई रेसिडेंट नोटिफाइड SSC है तो वो जा सकता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम के केस में अगर उसका कोई केस पेंडिंग है तो, अदरवाइज नहीं जा सकता। नेक्स्ट, किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जानने के लिए आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। साहब ये ना मैंने आपको एप्लीकेशन दी है, इसमें हमारी फिक्स्ड एसेट का FMV निकाल दो। अरे भैया हम ये सब काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लास्ट, एनी क्वेश्चन इन रिलेशन टू अ ट्रांजेक्शन विच इज डिजाइंड प्राइम ऑफिसी फॉर द अवॉइडेंस ऑफ एग्रीमेंट। ऊपर देखो तो मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जो है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मैंने कहा इसके बारे में हम मैटर डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। तीसरा पॉइंट उससे क्वाइट डिफरेंट है, दोनों को मिक्स मत करना। अगर आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, सुन लें, आपको मालूम है इम्पैक्ट क्या होगा। मेरा आपके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, मैं इसको देने जा रहा हूँ क्या एप्लीकेशन, और मुझे मालूम है इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन पर्पज हम लोग का है टैक्स चोरी करना। क्या करना? टैक्स चोरी करना। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन डिजाइन करके भेज दी कि ताकि ये लगे कि हाँ हम लोग अननोन हैं और टैक्स रेट कम आ जाए। तो यहाँ पर पर्पस हम दोनों का क्या था, टैक्स की चोरी करना। कुछ इस तरह से डिजाइन करके भेजा गया था जिससे हमारा टैक्स कम आ जाए, और एक बार एडवांस रूलिंग अथॉरिटी मिल गई या डिसीजन मिल गया तो हम लोग उसी को ही अवेल करेंगे और बेनिफिट ले लेंगे। तो हम लोग का मेन मकसद यहाँ पर टैक्स की चोरी करना है। तो अगर हम एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और उसका मेन पर्पस टैक्स की चोरी करना है, अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स, तो वहां पर बेटा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो। एनी क्वेश्चन इन रिलेशन टू अ ट्रांजेक्शन विच इज डिजाइंड प्राइम ऑफिसी फॉर द अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ रेजिडेंट एप्लीकेंट, मीन्स छोड़ दो। एक केस लॉ है, जरा उसके बारे में तुम लोग हमें बताना। मैंने तुम लोग को बताया कोई भी केस पेंडिंग हो उस पर हम नहीं जा सकते, लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम से रिलेटेड होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी में जो जा सकते हैं, लेकिन नोटिफाइड SSC होनी चाहिए। लिखा है एडवांस रूलिंग इज सॉट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाई ए नॉन रेसिडेंट। एक नॉन रेसिडेंट है, कैन नॉट सीक रूलिंग, यहाँ आंसर बता दिया। एक नॉन रेसिडेंट इस तरह का एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकता। किस तरह का एडवांस रूलिंग में? वेदर इट्स इंडियन सब्सिडियरी वुड बी एंटाइटल्ड टू सर्टेन टैक्स एग्जेम्पशन, क्या वो ये दे सकता है? सुन लो, क्या एक मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, ये मेरी इंडियन सब्सिडरी है, मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, ये इंडियन सब्सिडरी है, मैंने एक एप्लीकेशन दी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास और मैंने कहा मुझे ये बताओ क्या मेरी इंडियन सब्सिडरी को टैक्स की छूटें मिलेंगी या नहीं, क्या हम एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं? कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या मेरा इसके साथ? नहीं हो रहा। प्रपोज टू बी है क्या? नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट तो नहीं जा सकता। यहां पर कोई ट्रांजेक्शन तो प्रपोज है ही नहीं, यहां तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं हम लोगों के बीच में जिसके बारे में हम एडवांस रूलिंग लें। एडवांस रूलिंग तो केवल किसी ट्रांजेक्शन जो हम दोनों के बीच में हो चुका है उससे रिलेटेड मैटर पर ले सकते हैं, और जो होगा उससे रिलेटेड मैटर पर ले सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हमको ये बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अ नॉन रेसिडेंट कैन नॉट सीक एडवांस रूलिंग, एक नॉन रेसिडेंट इन
तरह के मैटर्स पर एडवांस रूलिंग की अपेक्षा ना करें तो ज्यादा बेटर है। पक्की बात है ना, बेटर क्या वो कर ही नहीं सकता। बोलो, यहां तक की कहानी क्लियर है? हाँ या ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर टैक्स अवॉइडेंस के लिए आपने कोई एडवांस रूलिंग करने की कोशिश की, सामने वाली अथॉरिटी से आपने एडवांस रूलिंग मांगने की कोशिश की, तो बेकार है, ऐसा आप नहीं कर सकते। कोई भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आपका कोई भी ऐसा एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगी जिसका मेन मकसद टैक्स अवॉइडेंस को लेकर के हो। चल सकते हैं आगे। जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने वाले तो जानेंगे ही एप्लीकेशन का मेन मुद्दा क्या है, मेन माजरा क्या है और अल्टीमेट उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और जरा देखो तो पहला ऊपर एडवांस रूलिंग मींस पर आ जाओ, एडवांस रूलिंग मींस पर आ जाओ तो पहला पॉइंट मैं फिर से डिस्कस करता हूँ। एंड सच डिटर्मिनेंट ऑन शेल इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। यानी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर भी डिसीजन देगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर भी डिसीजन देगी, उससे रिलेटेड भी डिटर्मिनेशंस आएंगे। यानी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास पावर हैं नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड मैटर को पिक करने के लिए, लेकिन ट्रांजेक्शन जो हो चुके हैं, ट्रांजेक्शन जो प्रपोज हैं, उनसे रिलेटेड मैटर पर डिस्कस करने के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा, where a resident applicant has made an application to AAR and referred issues therein for a decision of AAR, then any income tax authority or tribunal should not take any decision in respect of such issues. In other word, a resident SSC cannot pursue both the remedies. आप एक resident हो, आप एक resident हो, आपका कोई case pending चल रहा है, मैंने ऊपर बताया ना, कोई SSC या resident है उसका कोई case पेंडिंग है, और अगर एसएससी रेजिडेंट है उसका कोई पेंडिंग केस है, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए उसने एएआर दाखिल कर लिया है तो कर सकता है, वो बताया था कर सकता है। तो अगर उसने एएआर दाखिल किया, अब मैटर यहां से भी डिसीजन में आएगा और मैटर वहां से भी डिसीजन में आएगा, क्योंकि केस तो पेंडिंग है, उसको देखने वाली एक अलग अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी, उस पर काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। इधर मैंने उसको एडवांस रूलिंग में डाल दिया, मैंने कहा जहां फायदा मिलेगा ना वहां काम कर लेंगे। आप एक साथ दो रेमेडीज नहीं ले सकते, आप एक साथ दो रेमेडीज नहीं ले सकते। एक तो आपका सिस्टम चल रहा है, केस पेंडिंग चल रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी में, इस तरफ से चल रहा है, दूसरी तरफ आपने अपना केस पेंडिंग करवा दिया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, तो आप दोनों तरह की रेमेडीज नहीं ले सकते, और जिसमें आपको फायदा मिलेगा वहां चले जाओगे, ये नहीं कर सकते। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं किसके पास? अपीलेट अथॉरिटी के पास। फिर मैं पढ़ता हूँ, वेयर अ रेसिडेंट एप्लीकेंट हैज मेड एन एप्लीकेशन टू एएआर, अगर किसी एप्लीकेंट रेसिडेंट एप्लीकेंट ने अप्लाई कर दिया है एएआर के पास एंड रेफर्ड इश्यू देयर इन फॉर डिसीजन ऑफ एएआर, देन एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल शुड नॉट टेक एनी डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इश्यूज। तब ये वाला हिस्सा इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी बिल्कुल चुप मार करके बैठ जाएगा उस इश्यू से रिलेटेड, कि भैया उसका डिसीजन आएगा ना हम मान लेंगे। नहीं समझे? हम दोनों जगह नहीं जा सकते, तो जिस मैटर को लेकर हम एडवांस रूलिंग में चले गए हैं, अगर वो केस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो अगर एडवांस रूलिंग को हमने प्रेफरेंस तो देनी ही देनी है, तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी भी चुप मार करके बैठ जाएगा और कहेगा चलो उसका डिसीजन आने दो उस मैटर पे, तभी हम केस को उस मैटर पे आगे बढ़ाएंगे, उस मैटर पे सच इश्यू, बाकी सारे इश्यूज एज सच चलते रहेंगे, लेकिन उस इश्यूज पर चुप मार करके बैठ जाएंगे जो इश्यू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पर जा चुके। कौन कौन बनता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में, कौन कौन होता है? सर एक चेयरमैन होता है ना, एक वाइस चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं जरा नेक्स्ट पेज देखो तो वहां लिखेगा। चेयरमैन कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। वाइस चेयरमैन कौन हो सकता है? हाई कोर्ट का जज। और मेंबर्स कौन हो सकते हैं? दो, एक रेवेन्यू मेंबर और एक लॉ मेंबर। जो बेंच बनती है हम उसकी बात करते हैं, यानी कि जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है हम उनके बेंचेस की बात कर रहे हैं, और इसकी मेन बेंच हमारी जो दिल्ली में होती है, क्या होती है? मेन बेंच दिल्ली में है। रेवेन्यू मेंबर कौन होगा? आईआरएस का मेंबर होगा, फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी कि
प्रिंसिपल है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो हो सकता है। इसका मेंबर कौन होगा? रेवेन्यू मेंबर कौन होगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, रेवेन्यू मेंबर इन्हीं दोनों में से कोई बनेगा। और लॉ मेंबर कौन बनेगा? सर वो भी IRS से आएगा, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी सुनो ना, चार मेंबर हो गए। कौन कौन से मेंबर हो गए? सर चेयरमैन होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, वाइस चेयरमैन होगा हाई कोर्ट का जज, अच्छा रेवेन्यू मेंबर होगा PCCIT और CCIT, और लॉ मेंबर होगा हमारा जनरल सेक्रेटरी ऑफ, एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो आपके अपॉइंटमेंट की टर्म्स कंडीशन होंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट जाहिर करेगी रखेगी वो टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ या ना, उतनी तनख्वाह मिलेगी, उतने अलाउंसेस मिलेंगे, उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी मर्जी उतनी बेंचेस के लिए उतने ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है, दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है? अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, इट शेल कंसिस्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एंड वन रेवेन्यू एंड वन लॉ मेंबर, हो तो क्या बोलो ना। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में इनकी ऑफिसेज हैं। मेन ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। वैकेंसीज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। सुनो अब हुआ क्या, एक बेंच आ गई, एक बेंच बैठी डिसीजन सुनाने के लिए। अचानक उस बेंच में मान लो तीन लोग थे, वाइस चेयरमैन, लॉ मेंबर और रेवेन्यू मेंबर। सुन लो तीन लोग थे उस बेंच में और वो लोग अपना डिसीजन सुनाते सुनाते तब तक एक वैकेंसी लॉ मेंबर की खाली हो गई, दो लोगों ने मिल करके डिसीजन सुना दिया। अब कोई ये नहीं इनवैलिडेट कर सकता इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के इस पॉइंट पर कि ये तो इलीगल है। तीन लोग मेंबर थे बेंच के, तीन लोग थे टीम, बेंच में तीन लोग थे, वाइस चेयरमैन, यहाँ तो चेयरमैन रहेगा या तो वाइस चेयरमैन रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, चेयरमैन रहेगा या वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन बेंच में था, एक लॉ मेंबर था, एक रेवेन्यू मेंबर था, तीन लोग मिल करके बेंच बना रहे थे, एक बेंच, बात समझना। अब एक आदमी की उसकी छुट्टी हो गई, अब छुट्टी हो गई तो दो लोगों ने मिल करके डिसीजन दे दिया, वैकेंसी निकल गई मतलब खाली हो गई जगह, और दो लोगों ने मिल करके डिसीजन दे दिया। अब उस आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि इसने जो डिसीजन दिया वो सही नहीं दिया और ये इनवैलिडेट प्रोसीडिंग हो गई। ना 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 ना, वो वैलिड ही रहेगा उनका डिसीजन, उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। तो लिखा है नो प्रोसीडिंग बिफोर और प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग बाई द अथॉरिटी शैल बी क्वेश्चनड और शैल बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड मेयरली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी। वॉट एयर द डिसीजन विल बी टेकन बाई दैट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी विल बी प्रिवेल्ड। Is it clear? पक्की बात है, that will be okay, legally held. Application for advance ruling, सर मत बताइए, सब application एक दाखिल करेंगे prescribed form में, 10,000 रुपये फीस या जो decided फीस है जो दोनों में से higher होगी वो दाखिल कर देंगे, बात खत्म, हम application दाखिल कर देंगे। हाँ या ना। Procedure क्या होगा? The authority on receipt of an application will send a copy to the PCCIT or CCIT and wherever considered necessary also call upon the principal commissioner or commissioner to furnish relevant records. Such record will be returned to the principal commissioner or commissioner as soon as possible. अब advance ruling authority ऐसे नहीं कि कोई application दिया तुरंत decision दे दो, ना, पहले तो हम उससे related सारे tax matter के मामले जितने भी चल रहे होंगे उनके related matters को हम मंगवाएंगे, records मंगवाएंगे principal commissioner of income tax से या commissioner of income tax से। हाँ या ना। और जितना जल्दी होगा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उन जल्दी जल्दी पेपर्स पर अपना काम करके जितना जल्दी हो सके उन पेपर्स को वापस अपनी अथॉरिटी को सौंप दो, पता चला वहाँ पर मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंडिंग ही रह जाएगा। नहीं समझे? पेपर आपने वहाँ से मंगाया, काम करो और वापस करो जितना जल्दी हो सके, लेकिन वहाँ से पेपर और रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं। द अथॉरिटी में इधर अलाउ और रिजेक्ट एन एप्लीकेशन, और उन रिकॉर्ड्स और एप्लीकेशन को देखने के बाद अगर अथॉरिटी चाहे तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और एप्लीकेशन जो आपने दी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन 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 इन इन मैटर्स पर वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। किन किन मैटर्स को? सर आपने तो बता दिया है, वही वाले मैटर अगर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी में कोई कैश पेंडिंग पड़ा है तो वो बता दिया था, और दूसरा प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू देखने के लिए, और तीसरा जिसका लास्ट मेन पर्पस टैक्स को अवॉइड करना है। हाँ या ना। अच्छा हावर नो शेल, अब बताओ, अब आपने कोई एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन को एडवांस रूलिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर रही है, तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी अगर हम SSC को सुनने का बिना मौका दिए उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल जस्टिस लगेगा एंड हेयर द एसएससी विल बी हर्ड फर्स्ट, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विल बी गिवन टू द एसएससी फर्स्ट। हाँ या ना, अनलेस एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द एप्लीकेंट। फर्दर वेयर एन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द रीजन फॉर रिजेक्शन शैल बी गिवन इन द ऑर्डर, और रिजेक्शन ऑर्डर बनेगा, ब्रैकेट में लिख दो रिजेक्शन ऑर्डर, और रिजेक्शन ऑर्डर जब भी बनेगा वो लिखित में बनेगा, वो किस में बनेगा, लिखित में, यानी आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट नहीं हुई तो उसका रिजेक्शन ऑर्डर बनेगा, और रिजेक्शन ऑर्डर हमेशा लिखित में होता है। ये नहीं बोल दिया जाओ तुम्हारी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसे बोलने से नहीं होगा, बल्कि लिख करके देना होगा कि ये वो कारण है जिनके कारण आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की गई। एन एप्लीकेंट ऑन रिक्वेस्ट कैन अपीयर ईदर इन पर्सन और इन और कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। द अथॉरिटी विल प्रोनाउंस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी विद इन 6 मंथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन बाई द अथॉरिटी। यानी जिस दिन एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट की है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने, उस डेट के 6 महीने के अंदर आपको अपना डिसीजन सुनाना है, ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना है, पता चला ट्रांजेक्शन होना क्या था, अब कभी नहीं होगा। हाँ या ना। एप्लीकेबिलिटी, सुनो ना कितना बड़ा पावर दिया गया है, ताकि कुछ सोच समझ करके पावर दिया गया होगा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को, नहीं दिया गया होगा। आप डिसीजन दो, आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को आप डिसीजन दो, और आपके डिसीजन को कोई दबा दे तो आपके डिसीजन का फायदा क्या? तो ना तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डिसीजन को ना कर पाएगा और ना एसएससी कर पाएगा। बात समझ में आई? तो कहा गया था एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट, जो दे रहा है, हु हैज सॉट इट, एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन रिलेशन टू विच एडवांस रूलिंग वाज सॉट, इट विल ऑल्सो बी बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर हु हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द एप्लीकेंट। ओ, यानी सबके ऊपर ये कंपल्सरीली अप्लाई हो जाएगा, यानी उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मैटर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी अब वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी, एज वेल एज एप्लीकेंट तो बाउंड होगा ही होगा, क्योंकि उसी ने कहा था मेरा डिसीजन। तो द एडवांस रूलिंग विल कंटिन्यू टू रिमाइन इन फोर्स अनलेस देयर इज अ चेंज ईदर इन लॉ और इन फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एडवांस रूलिंग वॉज प्रोनाउंस्ड। जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन है वो वैसा ही एज सच रहेगा, आप दोबारा ट्रांजेक्शन करोगे सेम वही एडवांस रूलिंग ट्रांजेक्शन रहेगा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जजमेंट प्रिवेल करेगा, तीसरा करोगे ट्रांजेक्शन सेम रहेगा। लेकिन अगर लॉ में कोई चेंजेस हो गए, एक्ट में कोई चेंजेस हो गए, तो आपका वो डिसीजन बदल भी सकता है, ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा। मान लो लॉ में चेंजेस होते रहते हैं, हाँ या ना, तो ये तब तक प्रिवेल करेगा जब तक कि लॉ में चेंजेस ना आ जाए। एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब देखो ना, मैंने आपको कहा सर जी मेरा ये एप्लीकेशन है एक्सेप्ट कर लो, आपने देखा आपको कहीं नहीं लगा कि टैक्स चोरी का पर्पज है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, आपने कुछ इस तरह से डिजाइन करके दिया कि सामने वाले को पता ही नहीं चला, और सामने वाले ने अपना डिसीजन सुना दिया, बाद में पता चला अरे ये क्या, सामने वाले ने तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ये एडवांस रूलिंग ले रखी है। तो अगर उसको ये पता चल गया तो वो हमारे उस एडवांस रूलिंग को निल कर सकता है, किनारे कर सकता है, क्या बोल सकता है जरा ढंग से सुनना। वेयर एन एडवांस रूलिंग हैज बीन ऑब्टेंड बाय द एप्लीकेंट बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, द अथॉरिटी मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर सच रूलिंग टू बी वॉइड एन एवन इश्यू। हाँ या ना, यानी शुरू से ही ये व्यर्थ था, हम लोग फालतू में इस पर इतनी मेहनत की, वहां केस पेंडिंग चल रहा है, यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा ऐसे डिजाइन करके यहाँ दे दिया, यहाँ का भी समय खा लिया, वहाँ का भी समय खा लिया, और उसका समय इतना खा लिया 6 महीना कि उसका अब डिसीजन देने का समय बीत गया। तो कहा गया ना ना, जितना दिन इसने लिया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने, उनके जितने दिन लेने थे इसने जितना दिन ले लिया, ये दिन उठाकर उसके डिसीजन में जोड़ दो कि वो और इतने दिन ले सकता है। अब बात समझ में आई, ताकि वो अपना डिसीजन प्रॉपर वे में ले सके, क्योंकि आपने यहाँ का दिन खा लिया कहाँ पे, यहाँ पे, अब वो लोग बेचारे अपना डिसीजन तो दे नहीं पाए, यहाँ से भी टैंट है फिस, तो यहाँ से उठा करके वो दिन जितने दिन आपने यहाँ खाए हैं वो वापस उस अथॉरिटी को जहाँ चल रहा था केस वहाँ पर दे दो, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द एप्लीकेंट एज इफ सच एडवांस रूलिंग हैड नेवर बीन मेड। इस तरह से काम होगा कि ऐसा एडवांस रूलिंग कभी लिया ही नहीं गया। A copy of this order shall be sent to the applicant and the principal commissioner or commissioner by the advance ruling authority. हाँ या ना, बस। तो लिखो, देखो ब्रैकेट में लिखा है, मैंने उसको पढ़ा नहीं। Excluding the period beginning with the date on which advance ruling and ending with the date of order under this section. ये पूरी पीरियड हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे,
तो आपका जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, बल्कि वो जो दिन आपने यहाँ खा लिया एडवांस रूलिंग में, वो जाकर वहाँ ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर पता चल जाए कि एसएससी एप्लीकेंट ने फ्रॉड करने के पर्पज से काम किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, या तथ्यों को छिपा करके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ले ली। लास्ट पावर ऑफ द अथॉरिटी, पावर सारे के सारे है अथॉरिटी के पास। सिविल कोर्ट के पावर हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के पावर हैं, आपको चाहे तो बुला सकता है, कमीशंस जारी कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट लाने के लिए बोल सकता है, रिकॉर्ड बुला रह सकता है, आपको कसम खिला करके खाओ गीता की कसम और बोलो कि जो बोलोगे और सच के सिवाय नहीं बोलोगे, तो वो सारी चीज़ें उसके पास पावर, यानी कोर्ट के सारे पावर उसके पास हैं। इंडियन पैनल कोड के भी सारे के पावर्स हैं। दैट्स इट। क्या दिक्कत थी भाई इस चैप्टर में हमें बताओ, कितना सिंपल चैप्टर था। थैंक यू बच्चों।